इस वक्त की फिरोजाबाद जिले से बड़ी खबर, 50 लाख रुपए की कीमत के गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए। जी हां दोस्तों, फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बरेली और सिरसागंज पुलिस की संयुक्त छापामार कार्रवाई में 2 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से गांजे से भरी एक होंडा सिटी कार को भी बरामद किया है। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बरेली और थाना सिरसागंज पुलिस ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह के 4 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर नगला चतुरी गांव से गुराऊ की तरफ आने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 क्विंटल 20 किलो अवैध गांजा, एक होंडा सिटी कार भी बरामद की है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम रवि कुमार पुत्र श्यामलाल सिंह निवासी नगला चतुरी थाना नगला खंगर फिरोजाबाद, रणजीत सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी गांव टोंडरसी थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद वाले, वहीं बारले खां पुत्र सुलेमान खां निवासी सैनपुर चुन्नीलाल थाना भोजपुरी जिला बरेली, लवलेश कुमार पुत्र धन कुमार निवासी गांव गढ़ी पेंगू थाना अराब हाल निवासी अध्यापक नगर सिरसागंज जिला फिरोजाबाद बताया है। टीम में थाना प्रभारी सिरसागंज उदयवीर सिंह मलिक, उप निरीक्षक जयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, राहुल कुमार, नितेंद्र सिंह, हेमंत कुमार एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट बरेली के उप निरीक्षक विकास यादव, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, सौरभ चौधरी, अंकित यादव, कुश कुमार, रश्विन चौधरी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बड़े मौजूद रहे। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज और देखते रहिए उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर। देखिए, एंटी नारकोटिक्स टीम जो बरेली यूनिट की है, उसके पास इनपुट था कि सिरसागंज क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खेप ड्रग्स की, नारकोटिक्स की, कहीं ना कहीं से लाई जा रही है। इस सूचना पे बरेली यूनिट की टीम यहाँ आई और उसके बाद SHO सिरसागंज, CO सिरसागंज और इनकी टीम ने मिलकर के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उस गिरफ्तार व्यक्तियों उसके पोजीशन से 2 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये गांजा पैकेट्स में थे और 44 पैकेट्स जो 5 किलो का एक पैकेट था वो हम लोगों ने रिकवर किया है। ये सारी रिकवरी इनके द्वारा एक होंडा सिटी कार में उसको इन लोगों ने पैक किया हुआ था, चारों तरफ उस गाड़ी के इसको अंदर उसको कवर करके उसमें रखा गया था। और इस स्पेसिफिक इनपुट पे हम लोगों ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। इस चारों में से 3 व्यक्ति फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और एक बाहर का है। इनफैक्ट ये लोग, इसमें जो 2-3 लोग हैं उनका नारकोटिक्स में डील करने का पुराना इतिहास भी रहा है। इसमें एक अखंड प्रताप है जो अभी फरार चल रहा है, बाकी एक बाले है उसका पुराना इतिहास भी रहा है, और बाकी जो ये रवि, रंजीत ये सब हैं, लोकेश कुमार ये सब अभी इनके खिलाफ अन्य मुकदमे हैं, बट नारकोटिक्स में पहली बार इनको पकड़ा गया है। इसमें हम लोग इनकी पोजीशन से 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। ये मोबाइल्स बेसिकली जो ये इनका तस्करी का काम होता था उसमें ये प्रयोग में लाते थे। इस प्रकार ये हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद इसमें जो फरार है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जैसा कि मैंने बताया, 2 क्विंटल 20 केजी गांजा हम लोगों ने पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 50 लाख के आसपास है, 50 लाख है, और उसमें मोबाइल और ये जो गाड़ी बरामद की गई है। इन लोगों से और भी पूछताछ की गई है, इनका हम लोगों ने इंट्रोगेशन रिपोर्ट भी तैयार किया है। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इन सारे ड्रग्स को इधर NCR में खपाने का अपना प्लान किया हुआ था। इंटरसेप्शन से हम लोगों ने इनको पकड़ लिया है। बाकी अन्य लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, और प्रयास ये होगा कि जो नेटवर्क नारकोटिक्स का है इसको प्रायोरिटी पर लेकर के हम लोग ध्वस्त करें। ठीक है।